खालसा जी चैनल नू सब्सक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो ताकि साड़ी कथा कीर्तन दी हर वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे अते वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी। इस पास बैठिया सोहिया सबना दा विसार सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सूही महला पहला कर सेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उजल कहा चिलकना कोटिम कालड़ी मास तोते आ झूठ ना उतरे जे सौ धोवा तिस उजल कहा चिलकना कोटिम कालड़ी मास तोते आ झूठ ना उतरे जे सौ धोवा तिस सजन से नाल मैं चल दिया नाल चलाना जिथा लेखा मंगिया तिथा खड़े दिसाना सजन से नाल मैं चल दिया नाल चलाना जिथा लेखा मंगिया तिथा खड़े दिसाना रहाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सरबत संगत गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज पातत पावन भगत वछल कृपा दे खजाने जुगो जुग अटल सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी विच सज के गुरु की बाणी का मनोहर कीर्तन सरवण किया है अथवा दूर दुराडिया तो भी सिख संगत गुरु के दर्शन दीदारिया वास्ते विशेष तौर पर उपराले करके दूरों दरेडों भी संगत आई। अज मसिया का दिहाड़ा होने करके होर भी संगत ने मन में अमा दे नाल चा दे नाल उत्साह दे नाल गुरु घर में हाजरियां भरिया। धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी के सरोवर में इशनान करके महान महात्म प्राप्त किए हैं। गुरु की बाणी दे कीर्तन श्री हरिमंदर साहब जी तो सरवण किए हैं। सतगुरु जी ने जो कृपा करके अज सानू श्री मुखवाक बख्शिश किया है सगल लुकाई दे भले वास्ते, क्योंकि गुरु का हुक्म है सारे जगत को जगत जलंधा रख लए अपनी कृपा धार। जिन्होंने अपनी कृपा द्वारा जगत की प्रतिपालना करनी है सतगुरु जी ने आपनों श्री मुखवाक बख्शिश किए हैं, जिसकी कथा विचार का समा आया है। सतगुरु जी ने बख्शिश की है, आओ शरदा प्रेम भावना दे नाल गुरु की बाणी का उपदेश सरवण करिए जी।
सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सूही महला पहला कर सेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सूही राग दे विच धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी आप कृपा कर रहे हैं। सतगुरु जी दे बेअंत परोपकार हैं, ऐसी जीवन के उपर मेहर की महाराज ने। सब तो वड्डा साढ़े ते महाराज ने यह परोपकार किया है, तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। सतगुरु जी ने तुरों सचखंड तो ये बाणी लिया के जो रब्बी आवाज़ सी, जो रब्बी कलाम सी, इनू कोई पकड़ विच लिया सकता सी, इनू कोई प्राप्त कर सकता सी, प्रगट कर सकता सी, कोई नहीं सी कर सकता। ये ते आप नारायण कला तार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो, धन गुरु नानक साहब रब रूप होकर आप संसार में आए, तो उन्होंने ये रब्बी दात सानू दित्ती गुरु की बाणी। तांजे महाराज सच्चे पातशाह जी ने बचन फरमाए हैं, तुरकी बाणी आए तिन सगली चिंत मिटाई। ये भाई धुरों आई बाणी, जैसी मैं आवै खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। जिहो जिहा सानू खसम मालक रब दा पैगाम आया है, ओहो जी बाणी विचारन कीती है। इसे वास्ते दुनिया दे वड्डे वड्डे राजे, समकाली राजे तरले करते रहे, कोशिश करते रहे कि साडे वल्लों साडी उस्ती विच कोई शब्द महाराज इस बाणी विच लिख देन। महाराज कहिंदे भाई असीं तां लिखदे ही नहीं, इते रब आप ही सानू ये बाणी भेज रहा है। ते कई बार आपां जन्म साखी दे बचन पढ़दे आ ना, सतगुरु जी फरमाउंदे ने जदों भाई बाला जी भाई मरदाना जी नाल हुंदे ने, मरदाना जी रबाब वजाओ बाणी आई आ, उदों बाणी तुरों दरगाह तो आउंदी है, ते बाणी रखनी कित्थे सी भाई इन्नी पवित्र बाणी। ते महाराज सच्चे पातशाह जी इसे वास्ते सरंगे दी ताल ते राग विच बाणी रखदे सन। इस वास्ते सतगुरु जी दा जे असीं ध्यान धरदे आ ना, सतगुरु जी ने प्रतख रूप विच जहर वर्गे रीठे मिठे कर दिते सानू ये समझाउण लई कि साडे मना विच जो कड़त्तन भरी है, ईरखा दी जहर भरी है, वह तुरकी बाणी साडी जहर मेट सकदी है, जिदे करके घरां विच काला कलेस लड़ाई झगड़े पिंडां नगरां च। महाराज कहिंदे ये तुरकी बाणी भाई ये काला कलेस जे रीठियां दी कड़त्तन मेट के रस भर सकदी है, तो फिर साडे मना च क्यों नहीं भर सकते। साध संगत जी इदों भी सानू वड्डियां धारणा दित्तियां। आप आम तौर पर कहने भी तेरा तो पत्थर दिल है, कठोर दिल है, तेरे विच दया ही है नहीं। कई बार आपां उहो जिहे व्यक्ति नूं इहो जिहियां गल्लां कह दिंदे हाँ जिहड़ा बहुता ही गुस्सेखोर होवे। तो महाराज सच्चे पातशाह जी ने यह साडा भरम मिटण वास्ते कि गुरु की बाणी पत्थर बारे दिल के उपर भी मेहर कर सकती है, दया कर सकती है, असर करती है, प्रतख रूप में वली कंधारी ने पत्थर रोड़िया उस पहाड़ी नूं। सतगुरु जी ने अपने हस्तकमल दे नाल रोकिया, तो जिथे सतगुरु जी का वह पंजा लगा वह पंजा साफ बन गया, तो उस पत्थर विच कई इंच सतगुरु जी का हस्त कमल धस गया। बिच अज भी तुसी बहुत सारिया संगतां पंजा साहब के दर्शन करन जांदियां ना, ते साध संगत जी तुसी देखो पत्थर दे विच किन्ना उकरिया होया पंजा।
भी सतगुरु जी सानू उपदेश दिता कि भावें पत्थर दिल होवे मनुख पर जदों श्रद्धा भावना दे नाल गुरु की बाणी पढ़ेगा बाणी पढ़त मेरा मन द्रव्या कहिंदे द्रव जाएगा मोम बन जाएगा मन ये पत्थर नहीं रहेगा। सतगुरु जी ने यह कृपा कीतियां फिर कहिंदे भाई गुरमुख रोम रोम हर त्यावा दी अवस्था भी बन जाएगी। महाराज कहिंदे भाई इहो जी धरती जिथे जल छकण योग नहीं है सतगुरु जी ने उत्थे चरण ला के चश्मे पैदा किए नानक झीरा बन गया। तो महाराज कहिंदे भाई ये तेरी बुद्धि रूप धरती दे विच भावें तू अभ्यास नहीं किया हले पर इहदे विच ऐसा अमृत जल पिया है बाणी का जदों सतगुरु के चरणों ते आ के नमस्कार करेगा तो फिर ये फुहारियां दी न्याई झरनियां दी न्याई न्याई तेरे शरीर की बुद्धि रूप धरती विच्चों बाणी फुट फुट के बाहर आवेगी जिदा भाई गुरदास जी ने जिक्र किया है कि भाई अमेओ चला झरने उन्होंने झरने चल पेंदे ने अमृत दे जिन्हां दी भाई इस भाव भगती की लड़ी जुड़ जाती गुरु के नाल ऐसे सतगुरु जी ने। तो जदों फिर होर पापी लोग देखे तो उन्होंने उपर महाराज ने कृपा की। अज का जो सतगुरु जी ने फरमान किया है ये भी उथानका सतगुरु जी जो बाणी उचारदे ना तो प्रथाए साखी महापुरख बोलदे पर हुंदी की है सांझी सगल जहाना है हुंदी सारियां वास्ते साडे वास्ते सांझी है। जो सज्जन ठग से सज्जन ठग जिन्हें धर्मशाला भी बनाई उस मकान दे विच मसीत भी बनाई मंदिर भी बनाया भी कोई राही पांदी रह ना जावे इस स्थान ते ये श्रद्धा रख के आवे कि धार्मिक स्थान है पर जदों आउंदा उहनू लुट लैंदा जे ज़्यादा माल सुआब देखदा कईआं दा कतल भी कर दिंदा भी बाहर जा के रौला ना पावे ये सुभाव बनिया। सो अज सतगुरु जी ने जो ये उपदेश बख्शिश किया ना जिस दी उथानका शहीद भाई मणि सिंह जी ने इस तरह लिखी है कि जदों भाई मरदाना जी का अंत का समा नेड़े आया तो भाई मरदाना कहन लगा धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी बहुत समा आप जी के चरणों में रह के सेवा की है तो हुण मैनूं इन्ना क अनुभव हो गया है कि मेरा अंत का समा आ गया तो कृपा करो महाराज बाद परलोक दे विच मेरी बाँह फड़ियो। तो सतगुरु जी ने बड़े मिठे बचन कहे कहिंदे भाई मरदाना जी तुसी बहुत वड्डी सेवा कीती है सरंगा वजाया सतार वजाई है नाल रह के सफर कीता है और निरक्षित रहे हो। देखो सतगुरु साहब सच्चे पातशाह जी हीरियां दी धरती च लै के भाई बाला जी भाई मरदाना जी नूं नाल लै के घूमते रहे पर अता भर भी लालच नहीं किया सारी जिंदगी भाई मरदाने ने। एक बारी बड़ी पूजा भी करवा दी सतगुरु जी ने इस वास्ते भाई मरदानिया सतगुरु जी कहिंदे तू तो अपना जीवन सफला कर लिया तो तू फिक्र ना करी। तो मन में फुरना हुंदा ना अपने धियां पुत्रां दा तो कहन लगा महाराज मेरे पुत्र ते भी मेहर रखियो अगे ये पीढ़ी आपदे चरणां नाल जुड़ी रहे साडी बंस जुड़ी रहे। महाराज कहिंदे कोई गल नहीं भाई भाई मणि सिंह जी उन्होंने तो लिखा कि करतारपुर जिहड़ा आप दर्शन करने जाने खुले रास्ते ज कुछ समय वास्ते खोलिया सी सरकार ने फिर पता नहीं किहड़ी कारण करके फिर बंद करता। उस करतारपुर साहब विखे भाई मणि सिंह जी ने लिखिया तो कुछ लिखारियां ने थानका लिखी है कि गुरना शहर है गुरना शहर दे विच मरदाना जी का अंतम समा आया। रहो विचार सतगुरु पातशाह जी ने भाई मरदाने का जदों अंतम समा आया कहिंदे तेरी इच्छा की आ
ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚਾਦਰ ਓੜੋ ਚਾਦਰ ਓੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਜੀ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਸਨ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਓ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਜਾਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿਅਰਥੀ ਥੋੜ੍ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਤਿਵਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਲੰਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਿਆਈਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਜਾਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਭਾਈ ਬਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਥਾਨਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਜਾਦੇ ਦੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸਜਾਦਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਵੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਾਓ ਭਾਈ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਜਾਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਲਏ ਮੁਸਕਾਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰੱਖ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬਾਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਭੇਡੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛਡਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਜਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਆ ਥੱਲੇ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਹਿਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਉਪੱਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਜਾਦਿਆ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਨਾ ਮਹੰਤ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਵਾਇਆ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸੁਜਾਦੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖੋਪੜ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਵੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਅਥਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਿਬਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਪਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ
धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी सूही राग दे विच कृपा करदे ने एक ओंकार सतगुर प्रसाद ये जो शब्द है महाराज कहिंदे भाई ये छेवें कार सुरताल दे विच रागी जथियां नूं गाउण दा हुक्म कीता है जो एक एक अकाल पुरख वाहिगुरु है अकाल पुरख ब्रह्म है वो सारिया जीवों के विच वस रहा है सारिया की पालना करता है सब की लहता करता है सतगुरु जी की कृपा सदका वह प्राप्त होता है उज्जल कहा चिलकना ला कहते भाई सुन उज्जल कहा चिलकना कहते जो कांशी का बर्त बर्तन होता है वह बड़ा उजला चिट्टा होंदा है चमकदा होंदा है उटिम कालड़ी मास कहिंदे भाई जो उहनू घोटीए ना रगड़ीए मांझीए जोर दी कहिंदे उहदे विचों सवाह निकलदी कालस निकलदी है तूतिया झूठ ना उतरै कहिंदे जिन्ने वारी मर्जी मांझ के कांशी दे बर्तन नू धोई जाओ फिर उहदे विचों जो तुसीं हथ मारोगे ना हाथ काला हो जाएगा कहिंदे इस करके जिहड़ी काशी दे अंदर दी मैल है ना वो धोण करके मांजन करके नहीं उतरदे जे सौ धोवा तिस कहिंदे भावें सौ वारी उस नूं मांज लीए धो लईए इस प्रकार मुढ़ तो फिर कृपा करदे हन उज्जल कहा चिलकना कहिंदे भाई देख जिहड़े धार्मिक व्यक्ति बन बन के पखंड करके दिखाते दिलों धार्मिक नहीं कहिंदे उन्हां दा महत्व किहो जिहा है उन्हां दी असलियत की है कहिंदे इह सज्जना कहिंदे उह तेरे वर्गे ने उज्जल कहा चलकना जिवें कहिंदे कहे दा बर्तन बड़ा उजला चमकदार हुंदा है कहिंदे इस तरह कई तरह के तू अपनी देह नूं कई तरह के तेल लाना क्रीम लाना तू अतरफले लाना है तो ये उपर बहुत पश्मीने के बस्त्र पहन लैना तो बड़े चमकदार बस्त्र पहन पहन के अपनी दुनिया के शोभा वधाउण की कोशिश करता है टिम कालड़ी मस पर कहिंदे भाई जिहड़ी देह है ना तेरे अंदर इहदे ते लख तरह के तू यतन कर ला दवाइयां मल ला पर जिहड़ी इहदे अंदर मैल है ना कहिंदे भाई वह किहो जिही है घोटम कालड़ी मस कहिंदे जिवें काली स्याही हुंदी है ना इहो जिहा तेरे अंदर दी हालात है तू अपने अंदर कदे झाती मार के वेख्या नहीं महाराज सच्चे पातशाह जी फरमाउंदे ने जन्म जन्म की इस मन को मन लागे काला हुआ स्याह स्याह काला कहिंदे होया पिया तेरा मन धोतिया झूठ ना उतरै कहिंदे भाई जिन्ना मर्जी तू इशनान कर अरसर तीर्थां ते भी जा के नहा लै तू धार्मिक स्थान बना के बैठा इत्थे इन्हां कर्मां करके इन्हां कारणां करके तेरी झूठ जिहड़ी तेरे मन दी है वह नहीं उतर सकते कहिंदे सैकड़े वारी भावें तू इस देह दा इशनान करा सो महापुरख श्रीमान सचखंड वासी संत बाबा करतार सिंह जी खालसा पिंडरांवाले इत्थे सानू ये भी समझाया करते सन विद्यार्थियों नूं कहिंदे भाई जिहड़ा जपजी साहब है ना जपजी साहब बहुत वड्डा महत्व है जपजी साहब का जपजी साहब का ही टीका है सारा गुरु ग्रंथ साहब सतगुरु जी फरमाउंदे ने भरिया मत पापा कै संग ओ धोपै नावै कै रंग कहिंदे देखो मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लईआ ओ धोए कहिंदे भाई जिहड़ी कई बार मिट्टी लग जाए ना शरीर नूं जांदियां जां धूड़ पै जावे ते किसी बंबी ते इशनान कर लईए किते नलके थले इशनान कर लईए ओ मिट्टी लै जांदी आ ओ उन्ने नाल ही लै जांदी आ ते महाराज ने ओहो जिहा तरीके दस्से आ
ते फिर कहा मूत पलीती कपड़ होए कहते जे भाई उहदे तो भी होर जिहड़े साडे पहने कपड़े है वो पेशाब आदिक ना जां बिंद आदि नाल वह पलीत हो जाण ते कहिंदे दे साबुन लईआ उह धोए कहिंदे भाई साबण ला के वह कपड़े फिर धो के साफ कर लै जांदे आ ये कहिंदे इक तरीका है। तो जदों बेनती की महाराज जिहड़े तुसीं कहिंदे आ पंजां वकारां की मैल लगी हुई है मन नूं वह भी किसी तरीके नाल लै सकदी है। तो हजूर फरमाउंदे भरिया मत पापा के संघ वो धोपै नावै के रंग कहिंदे जिहड़ी पापा दे नाल भरी हुई साडी बुद्धि पई है ना इहदे विच चंगी मत असीं ग्रहण ही नहीं कीती ते उह मैल किवें लावांगे। कहिंदे उहदा भी तरीका हैगा उहदा तरीका की है भाई सारे जपियो वाहिगुरू 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 गज के बोलो भाई वाहिगुरू 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 सतगुरु जी फरमाउंदे भाई ये मैल नहीं लै सकती जिहड़े साडे मनां दे विच जन्मां जन्मांतरां की मैल लगी हुई है वो केवल तीर्थां ते नहाउण नाल नहीं लै सकती। तीर्थ नहावण जाओ तीर्थ नाम है नाल नाम जपना है तां तीर्थां की शोभा है। सतगुरु जी कृपा करते हैं भाई सैकड़े बारी नहा लईए अंदर दी मैल नहीं उतरदे सज्जन सी नाल मैं हुण सज्जन नूं कहिंदे ने कहिंदे लै भाई सुन कल्ले ओह सज्जन नूं नहीं आपां नूं भी कहिंदे ने सज्जना सुन कहिंदे सज्जन सोई नाल मैं कहिंदे सज्जन सेई कौन है सज्जन कहिंदे भाई आ जिहड़े सिर वढ वढ के रखे आ तेरे सज्जन बन गए। सारी पंक्ति पढ़ दो जी चलदिया नाल चलन कहिंदे सज्जन कौन ने जिहड़े जदों अंत दा समा आवे ना जिहड़े उदों नाल चलन सज्जन ओह आ। हुण आपां विचार करांगे वी उदों तां नाल कोई भी नहीं जांदा नहीं भाई अंत दे समें ते जिन्हां जिन्हां ने फुरना कीता बाबा बुढ़ा जी ने फुरना कीता मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब दे पास कि महाराज जदों मेरा अंत दा समा आया मैं तुहाडे हत्थां विच शरीर त्यागा महाराज कहिंदे कोई नहीं बाबा जी तुहाडी बड़ी वड्डी सेवा है। सतगुरु जी आप सैकड़े कुआं तो चल के उहदे अंतम समें नूं उत्थे रमदास पहुँच गए सन बाबा बुढ़ा जी दा अंतम संस्कार आप कीता। सतसंग जी सतगुरु जी फरमाउंदे ने उह सज्जन किहड़ा है कहिंदे भाई उह केवल जिहड़े महापुरख गुरु दे नाल जुड़े हुए ने बाणी पढ़दे आ अमृत छकाउंदे आ त्यार बरत्यार है कहिंदे उह सज्जन जिहड़े आ ना उह भी संत महापुरख सज्जन भी साडा अंत नूं साथ निभा सकदे आ। उह किवें भाई धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी कृपा करदे ने कि उह किवें महाराज कहिंदे भाई जदों असीं उहनां दे कोल बैठांगे ना उन्हां कोलों सानूं शुभ गुण मिलणगे सत संतोख दया धीरज खिमा विचार पैदा होवेगी उहदे कोलों सानूं उस महापुरख दे पासों सानूं इह गुण भी मिलेगा अमृत वेले उठना इशनान करना बाणी पढ़नी संगत विच जाणा कीर्तन सुनना सेवा करनी इह गुण भी मिल जाणगे। ते जिहड़े गुण है ना ते जे असीं उहनां महापुरखां दा संग ना कीता कुसंगत करदे रहे ते फिर औगुण मिलणगे ईरखा बखीली क्रोध गुस्सा इन्हां विच ही असीं ग्रसे जावांगे। तो सतगुरु जी पातशाह ये कहिंदे हन कि जिहड़ियां मनुख दे गलां विच अखीर नूं जंजीरां पैंदियां ने जिन्हां करके उह खिच्चिया जांदा उहनां जंजीरां दे नाल उह की ने ते सतगुरु जी फरमाउंदे ने नानक औगुण जेतड़े तेते गली जंजीर कहिंदे जिन्ने औगुण है ना ये गलां विच जीरां पईआं होईआं है जे गुण होण तां कटियन से भाई से वीर कहिंदे भाई जे गुण किसे महापुरख तों लै लिया ना
जी वो गुण असी धारण कर लिया तो वह गुण अंत नूं साढ़े नाल निभेगा, होर कोई चीज़ नहीं निभ सकती। सतगुरु जी फरमाउंदे सज्जना, जिहड़ा कुछ तू इकट्ठा कर रहा धन दौलत ये तेरे की नाल जावेगा, तेरे नाल अंत नूं तेरी सहायता करेगा। जिथे लिखा मंगी है, फिर पढ़ो पिछली पंक्ति जी, तिथे खड़े दिसाना सज्जन से ही नाल मैं चल दिया नाल चलन। इहदे सज्जन नूं उपदेश दिता ना, हुण सतगुरु जी सानूं उपदेश दिंदे ने, कहिंदे आ गुरसिखो किते भुलेखे विच ही ना रह जाइओ। कबीर जेते पाप किए राखै तलै दराए, प्रगट पए निदान सब जा पूछै धर्म राए। कहिंदे किसे भुलेखे विच ना रहो, अंत नूं सब कुछ शीशे दी न्याई नंगा हो जाणा। इस वास्ते सतसंगत करनी है, सतसंगत विचों चंगे गुण लाने, ख्याल रखना कि कहड़ी चीज़ साढ़े साथ निभन वाली है। इस करके भाई जिथे असी किरत करनी है, ड्यूटी करनी है, असी दुकानदारी करनी है, वणज व्यापार करना है, खेती करनी है, नाल नाल इन्हां गल्लां नूं याद रखने वास्ते सतगुरु जी ने सानू नियम दे दिता। नित नेम, जिहड़ा नेम दे नाल नित कम करना है उहदा नाम है नितनेम। ते नितनेम की है भाई, पंज बाणियां पढ़ो अमृत वेले, शाम नूं पढ़ो रहिरा साहब, सौण तों पहलां पढ़ो कीर्तन सोहला, ते दिन दे विच सुखमनी साहब दे पाठ जां होर वाहिगुरू दा अभ्यास, मूल मंत्र दा गुरमंत्र दा अभ्यास करो। महाराज कहिंदे भाई ये निता परती जे इस गुण नूं ग्रहण कर लैण ते फिर भाई ये असल गहना तेरे कोले गुणा दा, जिहड़ा तेरे नाल निभेगा। जिहड़ी दौलत विच तूं झूठ फरेब करके लगा है ते महाराज कहिंदे भाई ये सुभाविक सुभाविक है। किसी दुकान ते चल जाओ ना ते वो कहिंदा भी आह कपड़ा जिहड़ा है ये 35 रुपए मीटर है, कहिंदे भाई मैं तां नहीं ये लैणा, तू थोड़ा सस्ता कर, कहिंदा चल तू 30 दे दे। इहदा मतलब पहलां झूठ बोलिया ना, ते महाराज ने मोहर ला दित्ती कि भाई बिख संचै हटवाणियां बहाट कमाए, मोह झूठ पसारा झूठ का झूठे लपटाए, उहदा पसारा ही ये है। पर महाराज कहिंदे याद रखी ये तेरे नाल जाण वाला नहीं है। नाल जाण वाला की है, सतगुरु जी कृपा करते हैं, जिथे लेखा मंगी है, जिथे भाई तेरा अखीर नूं लेखा मंगिया जाना है उस थां ते तेरी कौन मदद करेगा। जिथे खड़े दिसन, हाँ उत्थे खड़े दिसन, फिर धर्म राजा भी जी आया कवे जी आया नूं, भाई जी आया नूं ये तो बड़ा गुणी बंदा है, परोपकारी बंदा है, उत्थे सारे औगुण एक पासे रख के जो तेरे गुण तोले जाण ते तेरे गुण वड्डे साबित हो जाण, कहिंदे उत्थे खड़े दिसन उह दिसणगे फिर तेरे जिहड़े परोपकार कीते, सेवा कीती, सिमरन कीता उह नज़र आवेगा। रहाओ कोठे मंडप माड़िया, विश्राम दे के कृपा करते हैं कि सज्जना तू इस धन दे नाल वड्डे वड्डे कोठे बना लवे, वड्डियां वड्डियां माड़ियां बना लवे, भाव अटारियां पैदा कर लवे, ते तू इहदे नाल इह साजो समान तां पैदा कर सकदा है। पासो चित वियाहा, पर कहिंदे पासियां तों बाहरले पासिओं कहिंदे ऐसी चित्रकारी कर देवे बड़ी सोहनी वेखण नूं सोहनी लगे। इसे प्रकार फिर फरमाओ जी, कोठे मंडप माड़िया, कहिंदे कोठियां दी न्याई, कहिंदे बड़े कद वाले मधरे शरीर मंडप मोटे, कहिंदे तेरे शरीर भावें इहो जिहे शरीर होण, कहिंदे भाई पासों चित विया ते पासियां तों बाहरले पासिओं कहिंदे बड़े पशमीने दे वस्त्र बड़े ढंग दे नाल तूं उहनूं सजाउण दे सजावट करन दे सारा ही जोर ला देवे। ठठियां कम ना आवनी, कहिंदे भाई ना तां जिहड़ियां तूं सजना बणाईआं कोठियां माड़ियां महल मंडप मंडप होंदे आ जिहड़े सिनमियां आदि ना बाहर सिनमियां दे विच लाटू जे तां नूं कढ के वड्डे बना दे उहनूं मंडप कह दिंदे आ। कई विआहां दे विच वी ना ही रख दिंदे, मंडप दे विच लै के आओ लाड़ी ते लाड़े नूं, उह मंडप वी हुंदे आ। महाराज कहिंदे भाई पर इह सारा साजो समान ठठियां कम ना आवे, जदों कहिंदे अखीर नूं ढह जाणा ना इह मुड़ के कम आउण वालियां नहीं, अथवा हे
गुरमुख प्यारे गुरसिखा अंत का समय वेख तो जिहड़ी देह दे वास्ते इन्ना कुछ किया इन्ना तरद्दद किया कहिंदे जदों ये देह टह गई भाव पूरी हो गई ये देह दा अंतम समा आ गया समाप्त हो गई तो फिर काम आऊ तेरे जो कुछ भी तू इस दुनिया दे विच साजिया इस दुनिया दे विच जो तू प्राप्ति समझ के जिहदे दे विच बहुत वड्डा अपने आप विच माण करदा सी। सतगुरु जी फरमाउंदे ने जे एक गुण वह भावें माया का होवे ते भावें गुरमुखताई का होवे जिहड़े दो गुण दसे ने ना पहला इस संसारी दसे ने ते महाराज ने फिर परमार्थक दसे ने ते हजूर फरमाउंदे ने जे को एक करै चंगियाई मन चित बहुत बफावै एते गुण एतियां चंगियाइयां दे ना पछोतावै। कहिंदे भाई ये परमात्मा का नाम ही है केवल जिहड़ा सानू पार उतारा भी कर दिंदा है ते जिहदा नाम जप के कदे पछतावा नहीं होवेगा नाम वंडिया कदे पछतावा नहीं होवेगा हजारां बंदे लखां बंदे इकट्ठे होकर नाम जप लैन उन्ना ही वध आनंद आवेगा। इस वास्ते सतगुरु जी फरमाउंदे ने कि भाई ये जिहड़ियां मंडम माड़ियां जिन्नियां बना लवें ये अंत नूं तेरे काम आउण वालियां नहीं हन केवल परमात्मा दा नाम ही अंत नूं सब गुणी तेरे कार्ज काम आउणगे। विचो सखणिया क्योंकि टठियां काम ना आवी विचो सखणिया विचों खाली ने इन्हां विच नहीं सत संतोख दया धीरज खेमा ये जिहड़ियां तेरियां वड्डियां वड्डियां देहां सवारियां होईयां सन ये भाई किस काम आउणियां कोई परपकार तां कीता ही नहीं ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਣੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਜ ਵਸਨ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਬਗਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ तेरी हालत वेख की बनी हुई है कोट कोट जिया खावने बगे ना कहियाना। कहते भाई जो असली है तो तू उनू जानना कर कोट कोट जिया खावने कहते तू मार मार के जीवा नू गले कोट कोट के उन्हां दे धन दौलतां दे पदार्थ नू खाना है फिर बगे ना कहियन। कहते इनू ब्रह्म ज्ञानी नहीं कहा जा सकता ये कहते बगे भाई कौन है जेडे ऐन साफ दमन वाले गुरमुख प्यारे ने कहिंदे हो बगे कहिंदे तैनू पाक ते साफ दमन तेरा नहीं समझिया जा सकता। इस वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करदे हन फिर पढ़े मुड़ तो पंक्ति कोट कोट जिया खावने बगे ना कहियाना। सतगुरु जी फरमाउंदे ने बग्गा बग्गे कपड़े कहिंदे भाई बगलियां वर्गे कपड़े ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਭਾਈ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਗਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਮਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਸਵਾਬ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ तेरे अंदर दी हालत धार्मिक नहीं है समाज दे विच उजली तेरी अवस्था नहीं है। सिमल रुख शरीर मैं जान देख पुलाना। सो सतगुरु जी कृपा करदे हन होर उदाहरण दिंदे ने कहिंदे भाई सिमल जिहड़ा रुख है ना वह बड़ा उच्चा हुंदा है फुल बड़े चूहे चू चूहे हुंदे लाल फुल हुंदे ने ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਨਿਗਧ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਵੀ ਖਵੋ ਦਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿੱਲ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸਨਿਗਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
सतगुरु जी भगत जी भी बाणी विच फरमाउंदे ने जैसे सिंबल देख सूआ बखसाना अंत की बार मूआ लपटाना। महाराज ने यह कृपा की कहिंदे भाई देख सिमल रुख शरीर मैं इमेजन देख भलन कहिंदे जिहड़ा सिमल रुख है ना उहदे फुल्लां नूं देख के जिहड़ा तोता है वह भुल जांदा है कि ये बड़े सोहने फुल है। ये जिहड़ा इमेजन पाठ है ना इहनूं ना तां मैं जन करना है ते ना इमेजन करना ये दिली दीपक है साध संग जी क्योंकि जो अंतरीब जी असी इमेजिन करांगे कल्ला तोते वास्ते वरतांगे तो फिर मनुखता वास्ते नहीं वरत्या जा सकता। इस वास्ते ये शब्द नूं इमेजिन भी नहीं कहना तो मैं जन भी नहीं कहना। सतगुरु जी ने इसका ये भेद रखिया है। सो इस वास्ते सतगुरु जी फरमाउंदे ने कि भाई जिस जैसे सिमल दे रुख नूं देख के तोते भुल जांदे ने भुलेखे विच पै जांदे हन। सी फल कम ना आवनी ते गुण मैं तन हन। कहिंदे भाई वो गुण जिहड़े है वह फलां दे विच मिठास वाले गुण हुंदे है तृप्ती दे गुण हुंदे ने पर कहिंदे जिहड़ा सिमल दा फल है ना वह ना ते तोते दी तृप्ती करदा है ना उहदे विच मिठास हुंदी उहदे कम नहीं आउंदे। इसलिए फिर पढ़ो मुड़ तो जी सिमल रुख शरीर मैं कहिंदे भाई ये जिहड़ा शरीर है अपना ये भी एक सोहना सिमल रुख दी न्याई है। मैं जन देख भुलाना जिहदे करके कहिंदे जन जिहड़े आ सधारण सेवक गुरमुख प्यारे कहिंदे सधारण लोग इहदे ते भुल जांदे ने क्योंकि तां ही दुकानदारियां चलदियां ना ठगियां चलदियां जिहड़े भाई बाहरों चिट्टे चोले पा के दो तीन वालां पासे लमका लैणियां ते वेखना लगे भी बड़ा जपी तपी आ ये अज ही नहीं चलिया। आ मोगे जिले के विच कल्याण सर गुरद्वारा है उत्थे छेवें पातशाह जी ने इहो जिहे पखंडी का एक दा आधार बन कीता सी जिहड़ा सप बनिया बैठा सी लोगों का धन खाण वाला खून पीण वाला सुरो विचारे साखी आउंदी आ। साध संगत जी सतगुरु जी फरमाउंदे ने कि जिहड़ा साडा शरीर है ये एक सिमल दी तरह ही समझना कि ये बड़ा सोहना वेखन नूं लगता है। मैं जन देख भुलन कहिंदे साडी स्वपनता देख के साडा ठाठा बागा देख के जिहड़े आम सधारण लोग ने उह भुल जांदे ने कि ये साधु बड़ा तपस्वी लगता है इहदे विच बड़े गुण होणगे कहिंदे इस भुल विच पै जांदे हन। सी फल कम ना आवनी ਤੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਤਨ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੱਜਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਸੇ ਫਲ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। इस तरह सतगुरु जी कहते हैं गुरसिख वेखी कितने अपने बाहरले लिबास विच ही ना पलचिया रह जाई तेरे विचों गुण होने चाहिए है जिहड़े तेरा पार उतारा कर देन परमात्मा दे नाम सिमरन का अभ्यास वाले पासे तैनूं ला देन। ते सतगुरु जी फरमाउंदे ने कि भाई वो फल जिहड़े सी वो काम नहीं आए क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੰਦੁਲੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ ਡੂਗਰ ਵਾਟ ਬਹੁਤ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜਿਓ ਜੀ ਫਿਰ ਸੇ ਫਲ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਨੀ ਤੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਤਨ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮਾਇਕ ਗੁਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਲਿਬਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤਨ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਦਾ ਤਰਨ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਅੰਦੁਲੇ ਭਾਰੀ ਉਠਾਇਆ
डूगर वाट बहुत। हुण सतगुरु जी फरमाउंदे ने कि भाई एक गल सजना होर सुन, कहिंदे जिवें कोई अन्ना व्यक्ति कोई सूरमा व्यक्ति बहुत सारा भार चुक लवे सिर ते, ते उहनू ते देखो आम सधारण सीधे रस्ते ते तुरना भी औखा है, ते हजूर कृपा करदे ने कहिंदे भाई जिहड़ा आम सधारण मुख मनुख है दसा नौ दी किरत करदा है ते जे उह नाम जपे उहदे ते सतगुरु जी कृपा कर दिंदे ने, पर रस्ता नाम जपण दा आखण औखा सच्चा नाओ तुरना औखा इहदे ते। पर कहिंदे भाई जे कोई जिवें अन्ना मनुख सिर ते बहुत सारा भार चुक लवे ते तुर पवे पहाड़ी रस्ते ते डूंगर वाट बहुत, कहिंदे ऐ टेढ़ी वाट दे उपर तुर पवे दसो किवें पार लंघेगा। ये सज्जना कहिंदे तैनू मनुखां दा जन्म मिलिया सीगा ते तेरे कोले गुरमुखताई दा सीधा रस्ता सीगा, तू ओह छड्ड दित्ता ते तेरे विच मत ते बुद्ध रूप नेत्र नहीं सन, इन्हां तों तू अन्ना होया पिया है, इस करके ते तू भार उठा लिया पापां दा, लोकां दे गल घुट घुट के लोकां दे कपड़े ला के धन मल सबाब लुट के कहिंदे तू उहदा भार उठा लिया डूंगर वाट बहुत। कहिंदे हुण तेरी अगली जिहड़ी वाट है जिहड़ी जमां दी वाट है परलोक दी वाट बड़ी टेढ़ी है, उह तू किवें पार करेगा, ना ते तेरे कोले एक पासे तां सी महाराज दा उपदेश ज्ञान अंजन गुरदिया अग्ञान अंधेर बनास जिहदे नाल अग्ञान दा अंधेरा चुकिया जाणा सी, पर तेरे कोल तां औखा ही नहीं रहियां, तू तां अन्ना हो के जे ज्ञान तो अन्ना होके कहिंदे तू सारे पाप कीते दस किवें लंघेगा। अखी लोड़ी नाल हौ चढ़ लंघा कित, कहिंदे जिहड़े अखां वाले आ ना जिहड़े सजाखे आ जिन्हां नूं दींदा है, कहिंदे उह जे चाहुण लोड़न भी इस रास्ते उपर दी असीं बहुत सारा भार सिर ते चक के लंघ जाइए ते उहनां नूं लंघना औखा है, ते फिर तू दस किवें लंघेगा। भाई फिर पढ़ियो, अंदुले भार उठाया डूगर वाट बहुत, अखी लोड़ी नाल हौ चढ़ लंघा कित। कहिंदे देखो अखां वाले भाव जिहदे कोले ज्ञान रूप मत ते बुद्ध रूप अखां हैगियां, कहिंदे उह भी कोशिश करदे आ, उन्हां वास्ते बड़ियां कठिनाइयां आ जांदियां। देखो जो महापुरख कोई नाम जपदा ना, कोई गुरमुख प्यारा घर विच गृहस्थी गुरसिख नाम जपदा है, बड़ियां बड़ियां औकड़ां खड़ियां सामने हो जांदियां, ते सतगुरु जी कहिंदे जे तेरे कोल तां इह अवस्था ही है नहीं, तेरी बुद्धि इस पासे है नहीं, इस वास्ते कहिंदे भाई जिहड़े अखां वाले ने जिन्हां नूं दिसदा है उन्हां नूं इस रस्ते दे उपर पहाड़ी रस्ते उपरों चलना औखा है, तो जिहदे कोल अखा ही नहीं वह किवें चढ़ के लंघ जाएगा, वह तो लंघे ही नहीं जाना। इस करके भाई शुभ कर्म करद्या करद्या भी सतगुरु के चरणों में जी चैनल नू सब्सक्राइब दे भाई भावें प्रतख रूप में नौकर चाकर होन चंगियां चंगियाइयां भी तेरे विच होण, ते पर कहिंदे भाई परमात्मा दे नाम तो बिना दस किवें पार लंघेगा, उह तो बिना पार नहीं जे लंघिया जाणा। नानक नाम संभाल तू बद्दा छुटहि जित, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी कृपा करदे ने कहिंदे ऐ सज्जन फिर बेनती कीती महाराज, हुण आप जी ने कृपा तां कर ही दित्ती, हुण मैं तीर्थ यात्रा करां, मैं देवी देवतियां दी आराधना करां, की करां जिहदे नाल मेरा पार उतारा हो जावे। सतगुरु जी कहिंदे हो तेरा पार उतारा किसी युग च होर हो ही नहीं सकदा नाम तो बिना। भगत कबीर जी कृपा करदे ना, देख देख जग ढूंढिया कहीं ना कहूँ ना पाया ठौर, जिन हर का नाम ना चेते हो कहाँ भुलाने और। कहिंदे भाई हुण परमात्मा दे नाम तो बिना तेरा छुटकारा नहीं होना, सानू भी यही सिक्ख्या दित्ती है, ते सज्जन ते फिर समझ गया भाई सतगुरु दी सिक्ख्या लै के उह सच्ची दा सज्जन बन गया, गुरु का सेवक बन गया, उहदा पार उतारा हो गया। असीं वी अरदास बेनती करिए महाराज उह सज्जन ठग नालों भी असीं भैड़े गुण साडे विच प्रवेश कर चुके ने, आप मेहर करो कृपा करो, ते सतगुरु जी सानू सब नू समझाउंदे आ
कि भाई परमात्मा दे नाम नू जपना कर जिदे नाल के विषयां विच बद्धिया होया तेरा मन जिहड़ा घेरिया होया मन है इहदा छुटकारा हो जाए। सतगुरु जी कृपा कर देन। इस वास्ते भाई परमात्मा दा नाम सब तो उच्चा है, इस करके महाराज सच्चे पातशाह जी ने नाम की महिमा नू गाया, जिन जिन नाम ध्याया तिनके काज सरे। वो काज की सी भाई जिहड़े भी चित लए, किसी का काज सी मेरा परोपकार, मैं करा दुनिया के परोपकारी बन गए, अभ्यासी बन गए। कई दा सी कि असी गुरु की संगत में सेवा करिए, सेवादार बन गए। इस करके भाई जिन्होंने भी परमात्मा का नाम जपया सतगुरु जी ने उन्हों की कामना पूरी की है, सो साड़ी भी करनगे, लोग सुखीए परलोक सुहेले बना देंगे। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने जिथे सज्जन ठग नू तारिया है उत्थे किन्ने गिणिए तारे गिणे जात, तेरे तारे ना गनात है। महाराज के बेअंत परोपकार हैं भाई, उन्हां परोपकार नू हमेशा याद रखिए। गुरु की बाणी पढ़िए, खंडे बाटे का अमृत छकीए, तैयार प्रत्यार होइए, सतगुरु जी रहमत करनगे जी। चाकरिया चंगी आईया आवर सियान पकित, नानक नाम संभाल तो बदा छुटै जित। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा जी चैनल नू सबसक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो, ताकि साड़ी कथा कीर्तन दी हर वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे। अते वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी।